इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो जेई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या है कि रूट एक्स को आप पुट करेंगे साइन पी, देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पी। अब यहाँ पे अपन इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करके सब्सटीट्यूट करते हैं। तो जब रूट एक्स को अपन ने साइन पी लिया है, देन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कोस पी डी पी। तो डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो गई अपने पास 2√x cos p dp। अब इसके बाद अपन इसको चेंज कर देंगे, 2√x की वैल्यू अपन ने क्या पुट कर रखी है, साइन p cos p एंड dp। आपको मैं बस दो स्टेप बताऊं, उसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस स्टेप से समझ में आ गया होगा कि आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ डी एक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास आई है 2 sin p cos p dp अपॉन 1 + रूट एक्स। रूट एक्स की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, साइन पी। अब इसको ध्यान से देखिए, आप मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अभी आपके पास है रूट के अंदर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने अगर यहाँ पे एक्स को कॉमन लिया तो ये क्या आया, एक्स 1 - x, एक्स इंटू 1 - x कहाँ पे, रूट के अंदर। यहाँ अगर अपन इसको सेपरेट करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स एंड √1 - x। तो यहाँ रूट एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन पी। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे साइन पी, और सेकंड इसके मल्टीप्लाई में क्या है, √1 - x। तो √1 - x, एक्स की वैल्यू क्या हो गई थी, साइन स्क्वायर पी। तो 1 - sin² क्या होगा, कोस स्क्वायर, एंड रूट से बाहर आएगा तो ये क्या होगा, कोस पी, और ये साइन पी कोस पी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके पास, 2/1 + sin p dp, जिसका आप साइन पी से रेशनलाइजेशन करके बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 - sin p/1 - sin p dp, ये 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 - sin p, 1 + sin p, 1 - sin p, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b, a - b, 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos² p dp। तो 1/cos² sec² और sec का इंटीग्रेशन 10 p, और sin upon cos² क्या हो जाएगा, 10 एंड sec उसका क्या हो जाएगा, sec p + c। और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू साइन पी है, तो वैसे आपको 10 p और sec p की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।